यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच हमले और विस्फोट के कुछ वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको ऐसे ही दो वीडियोस की सच्चाई बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो यूक्रेन पर हुए हमले का बताकर शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद देखते ही देखते भारतीय मीडिया संगठनों ने भी इसे यूक्रेन पर हुए हमले का बताकर शेयर किया। इस लिस्ट में द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रूट इंडिया और मोजो स्टोरी शामिल हैं। एमी नॉमिनेटेड पत्रकार अहमर खान ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। अहमर खान के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने बताया कि ये फेक न्यूज है। यूजर ने दावा किया कि ये वीडियो 29 जनवरी को हुए तूफान का है। साथ में यूजर ने एक टिकटॉक वीडियो का लिंक भी शेयर किया। टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल कर जब हमने टिकटॉक पर यह वीडियो ढूंढा तो पाया कि ये 29 जनवरी को पोस्ट किया गया था, यानी ये हाल के यूक्रेन रूस विवाद से संबंधित नहीं है। इसके अलावा ये बात आप वीडियो ध्यान से देखने पर भी समझ जाएंगे। जैसे ही वीडियो में बिजली दिखती है, साथ में कड़ाके की आवाज भी सुनाई देती है, मतलब ये किसी हमले का वीडियो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इस दूसरे वीडियो की। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर यूक्रेन का बताकर शेयर किया जा रहा है। पत्रकार धीरज चौधरी ने ये वीडियो यूक्रेन का बताकर ट्वीट किया, साथ में #WorldWar3 का इस्तेमाल भी किया। लेकिन वीडियो को गौर से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये असली नहीं है। जैसे कि वीडियो में दिख रहे हवाई जहाज एक ही जगह पर स्थिर है, उनके आसपास लाइट फ्लैश होती है, लेकिन ये प्लेन अपनी जगह पर ही दिखते हैं। आमतौर पर आसमान में प्लेन स्थिर नहीं रह सकते। वीडियो में 11 सेकंड पर जब कैमरा जूम होता है तब साफ दिखता है कि ये मॉडर्न फाइटर प्लेन नहीं है। आगे वीडियो के फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें ये वीडियो 4 अक्टूबर 2021 को पोस्ट किया हुआ मिला। यहाँ साफ हो जाता है कि ये वीडियो हाल के हमले का नहीं है। एक यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए बताया कि ये वीडियो कंप्यूटर जनरेटेड है। न्यूज चेकर के मुताबिक इस वीडियो को बोरिस जे ए ने बनाया था, जो कि 3D एनिमेटर है। उन्होंने पहले भी ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं। बोरिस के YouTube चैनल पर ये वीडियो उनके वॉटरमार्क के साथ अपलोड किया हुआ है। कुल मिलाकर यूक्रेन पर रूस के हमले के बताकर शेयर किए गए ये दोनों वीडियोस पुराने हैं।